और एक बात और, अगर मलाई वाला नारियल पीते हैं ना तो उसमें पानी थोड़ा कम रहता है, लेकिन लकड़ी खाना उसमें हर मिलेगा, अगर खाली पानी चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। तो अभी कटवा रहे, देखिए मलाई निकलेगा, वही ना नारियल मोटा। पहले पनिया पी ली, हाँ पहले पनिया पी ली, पैकेट डाला तो हमारा इसे कर पकड़ा, काम निपटा लिए हैं। देखिए हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं या हम चले जाते हैं वहाँ पे मेरा काम अगर नहीं होता है ना तो बैंड बजा देते हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो। देखिए भैया काट रहे हैं, हाँ भाई कैमरा लगे हैं, हाँ और बताइए। मेरा भी ठीक है यार, तो गाड़ी का बैटरी खराब हो गया है। तो बैटरी नहीं लगाइए, वही लगा रहा है। हम भी अपने हाथ ही से लगाते हैं, गोप्रो ऑन है, देख रहा है, चेक कर रहा है। क्या दिक्कत आया है? आओ क्या बोल रहे हो, क्या दिक्कत आया है? बैटरी साफ़ डिस्चार्ज हो गया था, तो वही चेक कर रहे हैं, केवल चेक कर लें। हम उसको नया लगवा दिए हैं। हाँ नया ही है ये भी, अभी जस्ट लेके गए थे। गलत है, ऐसा नहीं चालू करना चाहिए। नहीं केवल चेक कर रहे हैं कि चार्ज हुआ है कि नहीं, ऐसे लेके गए थे ना बैटरी डेड पड़ गया था। अच्छा वही चार्ज कर दिया है अभी, तो अभी हम चल रहे हैं। हाँ अभी जा रहे हैं सिटी में, हाँ बनारस गए थे वहाँ राइट आ गए, फिर उसके बाद से 15 तारीख के नवरात्र चढ़ रहा है, हाँ। तो अभी एक ट्रिप हो जाएगा लेड़ा वाला, हाँ। और फिर वहाँ निकलेंगे अयोध्या। 15 तारीख को कहाँ जाना है? और लेड़ा मंदिर, हाँ यहाँ से लगभग अप डाउन में वही 150 चलेगा, 100 किलोमीटर 150 जो भी। चलना तो चलिएगा, पीलियन सीट खाली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो बाइक रहेगा और अच्छा लगेगा। और फिर उसको निकलेंगे, दिवाली आ रहा है, हाँ। तो फिर अयोध्या निकलेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे नेपाल, नेपाल निकलेंगे तो 10 दिन के लिए निकलेंगे, 7 दिन के लिए निकलेंगे। कब निकलना है? अभी दिवाली के बाद निकलेंगे, दिसंबर में। हाँ नहीं नहीं दिवाली के बाद ही, क्योंकि अगले महीना है दिवाली, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अयोध्या इसलिए जाएंगे ना, क्योंकि भाई दिवाली है तो फिर जाना ही जाना है। तो मतलब इधर मतलब क्या है कि महीना में एक ट्रिप कर ले, आराम से कर ले रहे हैं, मतलब महीने में कमाओ एक ट्रिप कर लो। चैनल मोनेटाइज हो गया, सब रेडी, सब एक्टिवेट है। मेरा दिक्कत ये है मैडम, कैमरा, हाँ भाई कैमरा लगे हैं, कैमरा लगे, हाँ ठीक है। तो करिएगा, हम जा रहे हैं अभी सिटी में, शाम को मिलिए, ठीक है? फ़ोन करना हमको, ठीक है? हाँ फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, ठीक ठीक ठीक। तो गाइस आप पहले ब्लॉग में देखे थे, शूज जो था धोने के लिए देना था, तो पहला ब्लॉग जो था वो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें जा रहे हैं कि सिटी में कुछ मुझे काम भी है, और मोजा भी लेना है, साई मार्केट भी जाना है, सामान लेना है, और जूता भी देना है धोने के लिए, उसके बाद से धो के आ जाए। अभी इसी ब्लॉग में हम वो भी दिखा देंगे कि किस तरह धो के रखे हुए हैं और कितना साफ़ है कितना गंदा, सब कुछ दिखाएंगे इसमें। और क्या है कि अपना ज़्यादा करके ब्लॉग जो रहेगा हिंदी से रहेगा, क्योंकि अपने को जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बोला जाता है, उसी लैंग्वेज सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब दिखाने चक्कर में कुछ और ही रहे। बाकी अब देखें कि मेरे भाई साहब जो फ्रेंड मिले हैं वो देखें किस एंगल से हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे कैजुअली बात किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैमरे पाने के बाद लैंग्वेज भी चेंज हो जाए या अपनी हरकतें चेंज हो जाए, सब कुछ वही रहता है। हाँ कुछ चीज़ें रहता है तो उस चीज़ को टाल दिया जाता है। तो इधर क्या है कि मतलब काम करते रहो, पैसा आता रहेगा, अपना राइड भी करते रहो। क्या है ना, जीवन में आप पैसे तो कमा लेते हो लेकिन ज़िंदगी लोग नहीं जी पाते हैं, क्योंकि जिनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ है ना, वो भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। भाई चलते फिरते रहो और ज़िंदगी जीते रहो, और ट्रेवल भी एक ऐसा लाइफ है ना जो आप आराम से पूरे इंडिया घूम सकते हैं। तो भाई हमारा क्या है, हम तो पैसे कमाते हैं, यूट्यूब इन्वेस्ट करते रहते हैं, और टारगेट यही बना है कि हर महीने में 1-2 ट्रिप कर लें आराम से। हाँ लीजिए, और इसमें कुछ देख लीजिए, थोड़ा सा डैमेज हो गया ना, वो थोड़ा सही कर दीजिएगा। ये तो वही वाला जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। यहाँ देखिए ये वाला, ये देख लीजिएगा, बाकी इस वाले में क्या दिक्कत आ गया ना, ये थोड़ा सही करा दीजिएगा,
ये वाला और यही सब है, वही छोटा मोटा है, इसमें भी वही दिक्कत आया है, बाकी तो सब सही है। तो आप हमको डेट बता दीजिए, उसी डेट को हम आ जाएंगे संडे को, तो फ़ोन करके हम आपको आएंगे। ठीक है, तो दोनों अच्छे से वॉश करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। जिस काम से हम आए थे काम हो गया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो काम निपटा लिए हैं। देखिए हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं या हम चले जाते हैं, वहाँ पे मेरा काम अगर नहीं होता है ना, तो बैंड बजा देते हैं, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, हमसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पैसा दिया है, मेरा काम होना चाहिए। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं हम आपको बता दें। देखिए अगर जब पैसे देकर काम कराना है तो हम किसी से काम करा सकते हैं, अब पैसे के देने के बाद हमें चूतिया बनाओगे तो हम तुमको अच्छे से ऐसा रेलेंगे कि जिस कुर्सी बैठे रहोगे वो कुर्सी भी हट जाएगा और रोड पे आ जाओगे। तो हमारी बात आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो भैया जब पैसा देकर काम कराना है तब किसी से काम करा सकते हैं, और अगर पैसा देने के बाद दोगलाई वाला काम करोगे तो पहले जाओगे रेले भी जाओगे। तो आधा तरीका तो आप हमको जान गए होंगे, क्योंकि देखिए ना हम दलाली वाला काम करते हैं और ना दलाली करने देते हैं। अगर साहब क्लियर हम पैसा दे रहे हैं तो काम करिए, नहीं तो हमारे पास बहुत आदमी है काम कराने के लायक। बाकी भी चलते हैं, मोजा लेते हैं, मोजा भी फट गया है, फिर उसके साथ मार्केट भी जाना है। अभी हम हैं टाउन हॉल चौराहे पे, तो एक दो नारियल तीन नारियल हमेशा पी के जाते हैं। नारियल पानी इसलिए पीते हैं ना, क्योंकि नारियल पानी पीने से ना जो प्रेशर है हमारा दिमाग का ना, वो समय ठंड रहता है और हार्ट भी सही रहता है, किडनी भी सही रहता है, और पथरी ना होने का चांस भी रहता है। तो मतलब नारियल पानी पीने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। ये एक ऐसा नारियल पानी है जो कोई मिलावट नहीं है, हमारी बात आप समझ पा रहे हैं ना। तो एक नारियल पानी एक आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और बाकी चीज़ों में मिलावट रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल नारियल पानी आपको ही पीना चाहिए। और हम भी जब जिस सिटी में आते हैं तो वहीं पे कृष्णा नाम है उनका, वहीं पे आते हैं, तो हमेशा एक नारियल दो नारियल तीन नारियल चार नारियल, मतलब जितना मन कर देगा उतना पी के जाते हैं। और एक नारियल देते हैं 50 रुपया का। अब कम करने के लिए बोलेंगे तो कहते हैं कि मतलब जिस सबसे माल लाए जाते हैं सबसे वो बेचते हैं। देखिए कहने का मतलब कम बेसी की बात नहीं है, आप कोई अपने घर से तो खिलाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो 50 का एक नारियल देते हैं, बाकी जितना नारियल पीएंगे उतना नारियल का पैसा देना रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग अपने घर से पिलाना चालू कर देंगे, बाकी सिटी में थोड़ा जान पहचान भाईचारा बना के रखे रहते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात है कि कभी कभी लोग काम भी आ जाते हैं। मोजा दे दो लॉन्ग वाली, पलट में निकाल दो, कंपनी का है। हाँ। कौन सी कंपनी है? ये कौन सी है? सिंपल है। अरे यार जॉकी का नहीं है? हाँ जॉकी का मतलब मोजा है कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अच्छा जॉकी का मोजा नहीं है, ये लॉन्ग वाली है। हाँ। ये कितने का? ये 75 रुपये का आएगा मैकी का। ये तो ज़्यादा जॉकी का सही रहता है। जॉकी का यहाँ देखिए संडो मंडी है, और अंडरवियर जॉकी का भी हम ले जाते हैं ना। ये पोलो का है, ये भी बढ़िया, ये भी पहन चुके हैं। ठीक है, तो जॉकी का आ जाएगा तो फिर आएंगे। दो दिन जॉकी का लेना था मुझे, जॉकी का अंडरवियर और संडो कंडी और मोजा वोजा बहुत अच्छा रहता है। और ऊपर से भले आप डुप्लीकेट पहन लीजिए, लेकिन अंदर से एकदम ओरिजिनल पहनना चाहिए। हट जाइए, क्योंकि अंदर प्राइवेट चीज़ रहता है ना, तो उसको केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, आप समझ गए होंगे। इसीलिए हम अंदर का एकदम कंपनी का पहनते हैं कि मतलब प्रॉब्लम ना हो। बाकी पहने वाले तो जिसको जो हिसाब से पहनना रहता है लोग पहनते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि
ऊपर से 500 का शर्ट पहनो चलेगा, लेकिन अंदर का संडो मंडी 2000 का होना चाहिए। हाँ जी, तो हम साइड मार्केट आए थे मॉनिटर लेने, और अपना मॉनिटर ले चुके हैं। चाबी बाइक में लगाते हैं, बाइक को ऑन करते हैं। ये रहा मॉनिटर, ठीक है। अब इसको ले चलते हैं घर यहाँ से। अभी तो फिलहाल इसको रखने का जगह एक ही है कि हम आके है, यही है, पकड़ना पड़ेगा। एक ही जो कड़ है, इसको ऐसे टंकी पे रख के लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं मेरे पास। हाँ, ऐसे मुड़ नहीं पाएगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो ऐसे खड़ा रख दें, हाँ ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो आपको कितना दें हम? 10 रुपया। तो देखिए यहाँ पे बिल भी लगता है पार्किंग का। पहले आपको पर्ची देना पड़ेगा, येलो कलर की है, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा है 2494, मतलब 2494। ये 10 होना चाहिए, तो बैग में हटेगा नहीं, तो बड़ा मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है। क्या हम बताएं, कोई पिलियन सीट पे बैठता होता है तो पकड़ लेता अच्छे से, अब पिलियन सीट पर कोई बैठा है नहीं। कैसे कैसे हम ले चल रहे हैं हम नहीं जानते हैं, ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो ट्रैफिक भी है। हाँ भाई, पीछे करो खाली यही में। बस समझ लीजिए कि एकदम अनकम्फर्टेबल हम लेके बैठे हुए हैं। क्या बताएं, किसी को साथ में लेके आए होते हैं तो पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये भी है हमारे साथ कहाँ कहाँ फालतू है, लेके घूमते हैं उसको। स्कूटी रहता तो आराम से चला जाता जुपिटर पे, लेकिन बाइक है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब बांधने वाला भी लेके नहीं आया कि पीछे बांध दें, बैग में अटेगा नहीं, उनको पता है।